हाँ हेलो पापा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम संजू बेटा, खुश रहो। कैसे हो तुम? जी पापा ठीक हूँ। पापा ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और हमारा नाम रोशन करो। ओके जी। किसका फोन है? संजीव का है। अरे देखो तुम्हारी मम्मी आ रही है। एक मिनट संजीव बेटा, अपनी मम्मी से बात करो करो। हेलो बेटा। माँ प्रणाम। जी करो बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ माँ। खाना टाइम पे खाते हो ना? बरसात में भीगा तो नहीं था? कितना सोचती हो माँ। माँ अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तुम बड़े हो गए हो, लेकिन बेटा हम माँ बाप के लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। वो तो सही है, पर माँ यहाँ आप दोनों की बहुत याद आती है, बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। हाँ बेटा हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पहली बार हमसे इतनी दूर गया है ना। और हाँ बेटा सुन, इतनी रात को बाहर मत निकलना, 12 बजने वाले हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। उफ माँ। उफ वो, तुम दोनों ने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगे? अच्छा माँ गुस्सा मत करो, मैं भी फोन रखता हूँ, कल फिर फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, बाय बाय। वॉचमैन किधर चला गया? ये कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि
हमारे कॉलेज ने अपने परिवार का एक नया नया सदस्य खो दिया है। इस दर्दनाक मौके पर मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आत्महत्या किसी परेशानी का हल नहीं है। दुख हम सबके जीवन में आएंगे। संजीव के जीवन में भी कुछ कठिनाइयां रही होंगी, पर उसने इस तरह से आत्महत्या करके एक बहुत ही खराब मिसाल दी है, बहुत ही खराब। आइए संजीव की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। फोटो इधर ही थी। ये तो वही लड़की, ये तो वही लड़की है जो फोटो में थी। वो यहाँ क्या कर रही है? कहाँ गई? इधर ही थी, अभी इधर ही थी, यहीं पर थी। क्या हो रहा है यार? क्या वो तस्वीर वाली लड़की वाकई में मुझे दिखी थी या मेरा वहम था? मैक, आज मैक क्यों जल्दी सो गया? किधर चला गया? पता नहीं क्या हो रहा है।
मैक तू अंदर है क्या? मैक तू रो क्यों रहा है? मैक जवाब देना। मैक किधर है यार? यहां तो कोई भी नहीं। तू रोको ना। ये क्या हो रहा है? अंदर तो कोई भी नहीं था। वो रोने की आवाज किसकी थी? समझ में नहीं। क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों? मैंने उसे देखा यार। किसे देखा? वो तस्वीर वाली लड़की। तस्वीर वाली? हाँ यार, वही तस्वीर जो हमने कल रात को देखी थी, वही तस्वीर वाली लड़की मुझे वहां पर संजीव की शोक सभा में दिखी। यार मुझे लगता है संजीव की मौत। संजीव की मौत का जिक्र भी मत करना। पर वो लड़की यार। कोई लड़की नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है। कल रात के हादसे को अपने दिमाग से निकाल दे। मेरा कोई वहम नहीं है। तुझे मेरे पे नहीं विश्वास आता, मत कर। लेकिन 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 मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। पर तू जाएगा कहाँ? अपने अंकल के घर यार, मैं नहीं रुकूंगा। अरे समीर, समीर सुनना, Thank you.
सुजा ऊपर लाश किसकी पता नहीं चल सरकटी लाश क्या ये लाश तो समीर की लग रही है समीर का ओह नो लाश को कोई हाथ नहीं लगाया श्यामलाल स्टूडेंट्स को बोलो अपने कमरे में जाए जाओ सब सब अपनी अपनी चलो चलो सर कुणाल ये सब क्या हो रहा है यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा समीर को कौन मार सकता है यार कहीं इसका संबंध उस रात से तो नहीं है चुप तुझे कितनी बार समझाऊं उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था पर कुणाल समीर मुझे मिला था वो बहुत डरा हुआ था यार उसे उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी जो उस तस्वीर में वो डरा हुआ था इसलिए मर गया तू भी डरना बंद कर अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला और इतनी चिल्ला चिल्ला के तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम समझ में आई चल नॉर्मल हो जा और यहां से कट लेते हैं चल चल यार अपना काम तो हो गया गुड नाइट अरे मुझे अकेला छोड़ के कहां जा रहे हो प्लीज थोड़ी देर रुको ना साथ में चलते हैं यार ये डर तो ऐसे रहा
जैसे कोई केमिस्ट्री लैब नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। क्यों, कुछ बात है क्या? नहीं। अरे यार, यहाँ सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स है और कुछ नहीं है। प्लीज यार, 5 मिनट रुक जाओ, मेरा भी काम खत्म ही होने वाला है, साथ में चलते हैं ना। अरे तो कैंटीन में मिलते हैं ना, वहीं तेरा इंतजार करेंगे। प्लीज यार, थोड़ी देर। प्लीज कैंटीन में मिलेंगे। अरे सुनो ना, प्लीज ना यार, सुन ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.